अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं MTH 202 के क्विज नंबर 1 का हम करेंगे सोल्यूशन, जो हमारे पास क्विज आया है अभी। तो लेट्स हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए टोटली तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपके नीचे एक डिस्क्रिप्शन ओपन होगी जहाँ पर आपको ये क्विज प्रोवाइड होगा। तो चलिए लेट्स हम अपनी जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। हमारे पास हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एवरी सेट इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ट्रू, ये बात ठीक है कि हर सेट जो होता है अपना वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ़ पी क्यू इज़ फॉल्स देन ट्रू वैल्यूज ऑफ पी क्यू इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ पी क्यू इज़, तो ये फॉल्स है, पी क्यू नहीं होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अब हमारा नेक्स्ट वाला, द लॉजिक गेट नॉट इज़ अ यूनरी ऑपरेशन ऑन 01। तो लॉजिक गेट जो होता है वो यूनरी ऑपरेशन जो है नहीं होता, तो ये ट्रू है। लेट बी इज इक्वल टू 1, आई एम नॉट अ स्टूडेंट देन नॉट इनटू नॉट पी रिप्रेजेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला वर्ड जो है दोबारा वही रह जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स ऑल इट्स डायगोनल एंटिटीज विल बी 0। तो रिप्रेजेंटेशन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम करें मैट्रिक्स के ज़रिए, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े तो आप चैनल के में जाके देख सकते हैं, तो ऑल डायगोनल एंटिटीज जो होती हैं वो 0 हो जाती हैं। रिकर्सिव कैन बी यूज इन जनरेटिव मैटर, ट्रू। तो रिकर्सिव वाला भी अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, रिकर्सिव कैन बी यूज इन जनरेटिव मैनर, तो डैट इज़ ट्रू। आर डैश इज सेट, ये एक फिनाइट सेट है। बर्ड लिव ऑन द अर्थ, आप बर्ड जो ज़मीन पर रह रहे हैं अब हम उन्हें गिन सकते हैं ना, अगर वो एक जगह इकट्ठे हो जाएँ तो हम उनको गिनती कर सकते हैं हम उनकी। तो ये जो है ये एक फिनाइट सेट है, और इनफिनाइट सेट कौन सा होता है जिनकी हम गिनती ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर की हम एग्ज़ाम्पल ले लें, वाटर की एग्ज़ाम्पल ले लें, शुगर की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो ये जो है ये इनफिनाइट होते हैं, लेकिन ये जो है ये फिनाइट है। चलती अपने, तो यहाँ पे हम अपना सॉल्व करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, तो आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।